स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हेडलाइन को कैसे रिक्रो कर सकते हैं। कई दिनों से बहुत से व्यूअर्स बोल रहे थे प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, जबकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हेडलाइन को हम रिग्रो कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिसीडिंग हेयरलाइन और पैटर्न बाल्डनेस में फर्क है, आप खुद नोट कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हेयरलाइन समय के साथ साथ पीछे जाती है, टेम्पल एरिया के बाल चले जाते हैं, लेकिन जो क्राउन एरिया है, सेंटर एरिया है, वहाँ के बाल झड़ते नहीं, बहुत ही घने बाल होते हैं। तो इसीलिए हम रिसीडिंग हेयरलाइन को DHT के साथ लिंक नहीं कर सकते, इनमें फर्क है। अब आप क्या है, समय रहते इसको बचा सकते हैं, ठीक है। क्या होगा कि अगर जब आपको एक बार अगर रिसीडिंग हेयरलाइन हो जाए, आपके बाल यहाँ से चले जाए हेयरलाइन से, और वहां पर एक दो भी बाल नहीं बचे हैं और टोटल चिकना हो जाए, तो फिर उस एरिया में बाल रीग्रो करवाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप समय रहते उसको नोट करें कि हाँ मेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है और कुछ कुछ बाल बचे हैं, वहां पर चिकना नहीं हुआ है, तो फिर उसको आप रीग्रो करवा सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डर्मा रोलर। देखिए, मिनोक्सिडिल से हेयरलाइन में बाल रीग्रो नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ बचा सकते हैं। मिनोक्सिडिल सबसे ज्यादा अच्छे से वर्क करता है पैटर्न बाल्डनेस में, मीन्स इस एरिया में, सेंटर एरिया में अगर आपके बाल जा रहे हैं तो वहां पर रीग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेयरलाइन में अगर बाल जाए तो वहां पर रीग्रो करवाना मिनोक्सिडिल से मुश्किल है, आपसे बचा सकते हैं, जो बाल है उसको बचा सकते हैं। लेकिन डर्मा रोलर से आप एक बार रीग्रो करवा सकते हैं, अगर आपको लगे कि हेयरलाइन पीछे जा रही है, वहां पर आसपास कुछ बाल है और एकदम स्किन चिकना नहीं हुआ है, तो फिर आप उस एरिया में सबसे बेस्ट है डर्मा रोलर यूज करके बचा सकते हैं। क्या है कि कुछ 3-4 महीने पहले कुछ व्यूअर्स थे जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा और उनमें कमेंट भी किया था, सर आपके हेयरलाइन पहले के मुकाबले थोड़ा पीछे जा रही है। तो मैंने भी खुद नोट किया कि हाँ मेरे इस टेम्पल एरिया के बाल जाने लग रहे थे और हेयरलाइन पीछे जा रही थी, तो फिर उस हिसाब से मैंने तभी से ध्यान देना स्टार्ट किया और फिर तब से मैंने डर्मा रोलर फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं कि अभी हल्के हल्के फिर से ये आने लग गए, दिख रहा है आपको? नहीं तो ये आप खुद 2-3 महीने पहले के वीडियोस को कंपेयर कीजिए, हाँ थोड़े बहुत बाल पीछे जा रहे थे, क्योंकि देखिए योगा मैं रेगुलर कर रहा हूँ, व्यायाम रेगुलर कर रहा हूँ, तो इस वजह से अब सेंटर के बाल नहीं जा रहे, जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद बाल चले जाते हैं। तो अब मैं जीता जागता सबूत हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोज देखिए कि यहाँ पर कितना खाली था, और अब खुद देखिए कि 1 साल लगभग हो गया, उससे ज्यादा हो गया, कि मिनोक्सिडिल छोड़ने के बावजूद भी मैंने योगा से मेंटेन करके रखा है। तो जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सबूत के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप खुद नोट कर सकते हैं। और रहा सवाल हेयरलाइन के लिए, सबसे बेस्ट डर्मा रोलर है। अब डर्मा रोलर कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अच्छे से बना के रखा हूँ, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ, या फिर वीडियो एंड होने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीन आएगी ऑप्शन, तो वो क्लिक करके भी देख सकते हैं डर्मा रोलर कहाँ से खरीदना है, तो इसके लिए भी लिंक दे रखा हूँ, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। देखिए, एक बाल 20 से 25 बार झड़ते हैं और फिर उगते हैं, ठीक है, उसके बाद हेयर फॉलिकल बचते नहीं है और फिर बाल नहीं उगते हैं। जब तक हेयर फॉलिकल बचे रहेंगे बाल उगाना पॉसिबल है, तो ये 20 से 25 बार ऐसा होता है कि अब झड़ गए फिर उगते हैं, झड़ गए फिर उगते हैं, ठीक है। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने खुद अपने साथ किया है, मेरे यहाँ पर चेहरे पर 2-3 बाल थे और मैं रेगुलर नाई के पास जाता था और वो धागे से निकलवाता था, जड़ से बाल निकलते थे, ठीक है, और 15-20 दिन बाद फिर उग जाते थे। आप सोचिए, जड़ से निकलने के बाद भी 15-20 दिन बाद फिर से बाल आ जाते थे, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो ऐसा मैं 1 साल से कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पर बाल नहीं आ रहे, तो आप सोचिए 15 से 20 बार नहीं, उससे ज़्यादा मैंने निकलवाया, हर बार बाल निकलता था, जड़ से निकलवाता था और 15-20 दिन बाद फिर ग्रो हो जाते थे, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वहां पर हेयर फॉलिकल बचा था, अब नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर बाल नहीं आते। आप चाहे तो खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी जाकर नाई से वो धागे से निकलवाइए, फिर खुद देखिएगा कि 15-20 दिन बाद फिर बाल आएंगे। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, बाल झड़ते हैं, जो नॉर्मल शेडिंग में बोलता हूँ, झड़ते हैं फिर वहां पर वापस आते हैं, फिर झड़ेंगे फिर वापस आएंगे, ठीक है। ये तब तक होगा जब तक हेयर फॉलिकल बचे हैं, तो ये 20-25 बार तक झड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, और उसके बाद क्या होगा, एक बार जब हेयर फॉलिकल चले गए फिर बाल उगाना मुश्किल है, फिर नहीं आएंगे।
बाल कैसे यहाँ पर उगाना है उसके लिए तो ऑलरेडी कितने सारे वीडियो बना के रखे हैं। उसके लिए आपको ब्लड सर्कुलेशन करना है, न्यूट्रिशंस प्रॉपर रखना है, प्रॉपर सनलाइट लेना है, डाइजेशन प्रॉपर रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, फास्ट फूड से बचना है, ऑयली फूड से बचना है, जितना हो सके वैरायटी के खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए। ये सब करेंगे तो आपके हेयर मेंटेन रहेंगे। जैसे मैं आप एक लाइव एग्जांपल हूँ, जो अगर फर्स्ट व्यूअर है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पुराने वीडियोस देखिए और कंपेयर कीजिए। अभी तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आपके पास कभी बाल झड़े ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो देखिए और कंपेयर कीजिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरे बाल झड़े थे कि नहीं झड़े थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए। ऐसे ही और भी हेयर और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सही ना लगे तो डिसलाइक बिल्कुल कर सकते हैं। और उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।